हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकआउट नॉलेज। मैं हूं आपके साथ नेहा, और आज के वीडियो में मैं बताऊंगी आरआरबी जूनियर इंजीनियर एग्जाम डिटेल्स एंड सिलेबस के बारे में। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाने का सोचा क्योंकि रेलवेज या इसी तरह का कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड का अगर रिक्रूटमेंट निकलता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग एलिजिबिलिटी जान के अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन उन लोगों को सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न पता नहीं होता। तो आज के वीडियो में मैं वही चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम स्टेज के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थ्री स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज सीबीटी, सेकंड स्टेज सीबीटी एंड मेडिकल। ये तीनों स्टेजेस आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ये ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होगा। और ये जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी है ये कॉमन है, जो नोटिफाइड जो पोस्ट दिया गया है वो सबके लिए ये स्टेज एग्जाम देना पड़ेगा। और ये इस स्टेज में जो जो मार्क्स आप लोग को मिलेगा वो ऐड नहीं होगा, लेकिन ये स्टेज क्वालिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेज अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप सेकेंड स्टेज सीबीटी नहीं दे पाओगे। तो आज के वीडियो में मैं फर्स्ट स्टेज सीबीटी के बारे में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट स्टेज सीबीटी में एग्जाम ड्यूरेशन जो रहता है वो है 90 मिनट्स, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट्स। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का मतलब है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो जो लोग एलिजिबल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए 120 मिनट्स है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 100, ये दोनों के लिए ही सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। तो मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30 और मार्क्स फॉर ईच सेक्शन इज 30, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। और वैसे ही जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन है और मार्क्स फॉर ईच सेक्शन इज 25। यहाँ पर भी सेम है, हर एक क्वेश्चन का मार्क 1 है। और जनरल अवेयरनेस जो है उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 15, मार्क्स फॉर ईच सेक्शन इज 15। जनरल साइंस वहां से भी 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स भी 30। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 100। चलिए सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में देखते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, नंबर सिस्टम्स, बॉटमस, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 10th के मैथमेटिक्स के जो सिलेबस रहते हैं वही सारा है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसमें एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यही सब है जो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर है। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, ये थोड़ा टफ होता है क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ये काफ़ी सारा कुछ रहता है। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना पड़ता है, कहीं से भी आ सकता है, तो ये थोड़ा टफ है। ये पार्ट अगर आप अच्छे से दोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आप अटेंड कर पाओगे, करेक्ट कर पाओगे। तो और जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जनरल साइंस। अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस अप टू 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस में जो सारे टॉपिक्स थे वही है इसमें। तो यही हो गया चारों सब्जेक्ट्स के डिटेल्स जो कि फर्स्ट स्टेज CBT एग्जाम में सिलेबस है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कट ऑफ मार्क्स क्या क्या है। अनरिजर्व कैटेगरी का 40% कट ऑफ मार्क्स है, और ओबीसी एंड एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का 30% कट ऑफ मार्क्स है, और एसटी का है 25%। तो ये रहा आपका कट ऑफ मार्क्स। तो इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं,
और आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।